Hey everyone, today I'll share my interview experience of Observe AI. Observe AI एक startup है जिसने 215 million की funding उठा रखी है and it helps call centers with AI tools to make their process efficient. I had a very very long and tiring interview experience with them. इतने सारे rounds लिए और जो result मैं expect कर रहा था वो नहीं मिला. So in this video I'll tell you how did I apply, क्या क्या interview rounds थे, क्या क्या questions पूछे गए and finally what did they offer me or maybe what did I ask for. So before starting this video I'll tell you who I am. I am a software engineer 2 at Microsoft जो कि पिछले एक साल से बहुत सारे SD2 के interviews दे चुका है. मैं बहुत सब में reject हुआ, काफी में accept भी हुआ and I had done a lot of mistakes and I have a lot of learnings to share with you guys and all these videos are about it. If you like my channel, please press the subscribe button and bell icon as well. So, पहली चीज आती है कि how did I apply? जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है और सेम ही तरीके से मैं हमेशा सब रिक्रूटर्स को उस कंपनी के मैसेज कर देता हूँ. एक रिक्रूटर जरूर रिवर्ट करता है एंड इस बार भी उसने किया एंड ही लाइक माई रिज्यूमे. ही सेड कि मैं DS राउंड शेड्यूल कर देता हूँ एंड फाइनली ही शेड्यूल द DS राउंड. एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कोई ऑनलाइन राउंड नहीं था, सीधा DS राउंड शेड्यूल हुआ. तो कमिंग टू द DS राउंड, DS राउंड में उन्होंने मेरे से 60 मिनट्स का राउंड था. उन्होंने मेरे से पहले एक प्रॉब्लम पूछी जो कि फेमस थी, दैट इज बाइनरी कैमराज, बट मेरे लिए वो फेमस नहीं थी, मैंने नहीं करी हुई थी एंड आई फाउंड इट वेरी हार्ड. इट वाज अ हार्ड लीड कोड प्रॉब्लम. उसने मेरे को बहुत हिंट्स दिए, उसके बाद मैं जाके उसको सॉल्व कर पाया. मैंने उसको कोड किया. देन ही आस्क्ड another interview problem, that was trapping rain for water, which is actually very famous problem. और उसको मैं 5-6 मिनट में सॉल्व कर लिया था मैंने. And then the round finished. I found that if I would have been the interviewer, then I would have given me an average rating, क्योंकि मैंने बहुत सारे hints लिए first round सॉल्व करने के लिए. But जब HR का कॉल आया, they said कि you know the round was good and we will proceed further. So next round was LLD round. मैंने इस राउंड से पहले बहुत प्रिपरेशन करी थी. मैंने 8-10 मेन क्वेश्चन सॉल्व करे, पूरे पूरे कोड करे, ATM मशीन, एलिवेटर सिस्टम, फ्लिपकार्ट डिज़ाइन, ये सब मैं करके गया था और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँगा. जब मैं इंटरव्यू में गया तो आई वॉज इन शॉक. उसने मेरे को SQL डिज़ाइन करने को बोल दिया एंड मैं काफ़ी नर्वस हो गया बिकॉज मैंने ना ये डिज़ाइन किया था एंड आई फेल्ट कि यू नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम जब मैंने SQL पे काम करा है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी. बट द इंटरव्यू वॉज ऑसम. उस बंदे ने मेरी पूरी हेल्प करी, यू नो स्टेप बाय स्टेप. उसके पास क्वेश्चंस थे कि क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, तो नल वैल्यूज को कैसे करोगे, इसको जेनेरिक कैसे बनाओगे, वो पूछता गया एंड मैं स्टेप बाय स्टेप वो आंसर करता गया. मैंने एक बेसिक डिज़ाइन किया, नल वैल्यूज वगैरह देखी, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए और उसने मेरे को सूडो कोड लिखने को बोला. उसके पास कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस थे, जैसे कि इसमें मल्टी थ्रेडिंग कैसे करेंगे, लॉक्स कहाँ लगाएंगे और फिर डेडलॉक कैसे नहीं होगा. उसने ये सब पूछा एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म गुड इन दिस बिकॉज मैंने रूब्रिक के लिए तैयारी करी थी फॉर द सेम मल्टी थ्रेडिंग राउंड्स. तो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से आई थिंक मेरे को एक +1 पॉइंट मिल गया उसमें एंड आई फील दैट आई परफॉर्म वेल इन दिस राउंड. बट हाँ, ऑब्वियसली उसने बहुत सारे हिंट्स दिए थे, बट आई थिंक दैट वॉज नेसेसरी. सो या, दिस वॉज अ गुड राउंड फॉर मी. इन नेक्स्ट राउंड वॉज अगेन LLD राउंड. क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में एवरेज परफॉर्म किया था LLD के, तो दे डिसाइडेड दे विल टेक अनदर राउंड. और इस राउंड में उन्होंने मेरे से वेब स्क्रेपर बनाने को बोला. लकीली मैंने कुछ सिमिलर सी चीज़ अपने ऑफिस में भी बनाई थी. मैंने सेम डिज़ाइन जो वहाँ करे थे वो मेरे को हेल्प की है. तो बेसिकली जो पर्पज था प्रॉब्लम का, वो ये था कि तुम्हें JSON हो गया और वीडियो फाइल्स हो गई और टेक्स्ट फाइल्स हो गई, मतलब मल्टीपल फॉर्मेट्स में फाइल्स हैं जो कि लेके आनी है, विच विल बी यूज बाय अ AI टूल एंड सो द डेटा शुड बी यू नो इन जेनेरिक फॉर्मेट और उसको कन्वर्ट भी करना है. तो द मेन पर्पस दैट इंटरव्यू वॉज लुकिंग फॉर कि मैं कैसे डिज़ाइन पैटर्न यूज करता हूँ, कैसे अपने कोड को जेनेरिक बनाता हूँ. तो मैंने वो सब यू नो ऑफिस में किया था सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम पे, तो मेरे को बहुत हेल्प किया एंड आई थिंक आई परफॉर्म प्रीटी वेल इन दिस राउंड एंड इंटरव्यू वॉज क्वाइट हैप्पी विद इट. सो इफ यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट टू परफॉर्म वेल इन LLD राउंड, सो टू थिंग्स यू नीड टू डू. फर्स्ट इज हेड फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है और दूसरा कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग जो चैनल है उस पर सारी LLDs की वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बताया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट राउंड वॉज मैनेजिंग राउंड.
तो इस मैनेजरियल राउंड में एक वाइस प्रेसिडेंट आया था एंड ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 14-15 ईयर्स क्योंकि ही आस्क्ड मी कि व्हाट आई एम वर्किंग ऑन फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स. आई टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट. ही आस्क्ड मी व्हाट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग. मैंने वो सब बताया और उसने मेरे को थोड़ा बहुत मेरे रिज्यूमे पे भी ग्रिल किया. And then he finally asked me ki why do I want to join Observe AI, which is a fast-paced startup rather than, you know, working in a well-settled company that is Microsoft. So maine usko bataya ki, you know, I am looking for some fast-paced work. I'm very curious how startups work and I'm very excited to join in such culture. So he really connected to me and he told me ki, you know, he also joined the company for the same reason. And I felt the round went very smooth and very good, and that's what I got from HRs as well. The recruiter told me, you know, the round was really well and they are looking forward, so let's have another round of, you know, salary compensation. So next round was HR discussion round. So ye koi aise round nahi tha, but ek discussion thi jisme salary compensation wagera discuss karna tha. To main is round mein gaya, maine ek quotation rakha, maine lead code discuss wagera pe dekha hua tha in logo ne kitna de rakha hai aur ye kitna de sakte hain, to maine usse thoda sa zyada unko quote kiya. To टू माई सरप्राइज, मतलब उन्होंने कुछ नेगोशिएशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया एंड दे टोल्ड मी कि इट्स ओके वी विल कम बैक. तो बहुत ही अब्रप्टली एंड हुआ. मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने ज़्यादा मांग लिया है या फिर मैंने बहुत कम मांगा है. दे आर लाइक यू नो प्रीटी हैप्पी कि ये तो हम दे ही देंगे. तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया एंड एक वीक तक दे डिडंट रिप्लाई. ओके, तो मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मे बी यू नो मैंने बहुत ज़्यादा मांग लिया है एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड. तो आफ्टर 1 वीक दे कॉन्टैक्टेड मी अगेन एंड सेड कि यू नो वो एक और राउंड रखना चाहते हैं, दैट इज़ विद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट से मैं पहले ही दे चुका था, तो अब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाले राउंड में गया और ये राउंड अभी तक का सबसे वेयर राउंड था मेरी लाइफ का. मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये बंदा यू नो सो रहा होता है. तो सो रहा होता है एज इन कि मतलब ही इज़ वेरी स्लीपी एंड ही वॉज स्विचिंग ऑफ हिज कैमरा अगेन एंड अगेन जस्ट टू स्लीप. आई कुड सी कि मतलब 2 दिन से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत काम कर रहा है और कोडिंग कर रहा है जो भी कर रहा है और सोया नहीं है. तो मैं जो भी इसको बता रहा था समझ नहीं आ रहा था इंटरेस्टेड भी है या नहीं. ये सिर्फ पूछ ही जा रहा था कि तुम क्या काम करते हो एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ही वॉज स्विचिंग ऑफ हिज कैमरा अगेन एंड वॉज योनिंग होल टाइम. तो आई वॉज नॉट श्योर कि कैसा हुआ राउंड. ठीक है, उसने भी वही क्वेश्चन पूछे जो मोस्टली वाइस प्रेसिडेंट ने पूछे थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट इतना बिकॉज ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड. ये राउंड खत्म हुआ तो फिर मेरे पास एचआर का कॉल आता है कि हम एक और डिस्कशन रख रहे हैं रिक्रूटर के साथ सैलरी कंपनसेशन के लिए. तो मैं फिर इस राउंड में गया. उन्होंने मेरे को बोला कि जस्टिफाई करो तुम्हें कितनी चाहिए और क्यों चाहिए. तो मैंने उनको फिर से सेम चीज़ें जस्टिफाई करी एंड देन अगेन राउंड एंडेड विद एब्रप्ट एंडिंग. तो अब हम कुछ यू नो राउंड 7 या किस पे जाने वाले हैं. तो बहुत लंबा प्रोसेस हो चुका था, इतनी बारी मेरी कॉल शेड्यूल हो चुकी थी एचआर से टेक्निकल राउंड्स. आई वाज वेरी टायर्ड. ओके, तो मैंने एक हफ्ता वेट किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. तो आई थॉट फाइनली यू नो कि अब ये नहीं कुछ करने वाले एंड दे अगेन शेड्यूल्ड अनदर कॉल कि फाइनल यू नो डिसीजन टाइप ऑफ कॉल रिक्रूटर के साथ. तो ये कॉल जब मेरे को आया तो रिक्रूटर ने टू माई सरप्राइज बोला कि साहिल वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है, बिकॉज वी डिडंट फाइंड द राइट टीम फॉर यू. तो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि तुम मेरे को सीधा बोलो कि तुम इतना पैकेज नहीं दे सकते या फिर एक्स वाई जेड या फिर तुमने यू नो एक पैरेलल कैंडिडेट ऑलरेडी हायर कर लिया है. बट दे गिव मी दी स्टूपिड रीजंस कि हमने बहुत ढूंढी टीम बट मिली नहीं, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम. उन्होंने मेरे को बहुत सॉरी बोला क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था एंड आई ऑल्सो गिव देम फीडबैक यू नो कि क्या क्या चीज़ें फास्ट हो सकती थी बिकॉज इट इज़ अ स्टार्टअप, दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग ऑन देयर प्रोसेस. बट इन जनरल आई द रेटिंग ऑफ दीज राउंड विल बी गुड ऑल्सो लाइक विल बी गुड ओनली बिकॉज जो DS राउंड था उसका लेवल अच्छा था. LLD राउंड के लेवल भी बहुत अच्छे थे. बस इसमें एक एडवांटेज था कि HLD राउंड नहीं था एंड आई थिंक कि HLD राउंड होना भी नहीं चाहिए SD2 के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ थी. एंड मैनेजेरियल राउंड थे बट दो मैनेजेरियल राउंड बहुत अननेसेसरी लगे मेरे को और इतने सारे HR और डिस्कशन ऑफ सैलरी राउंड्स तो बहुत ही स्टूपिड लगे जब तुम्हें मेरे को ऑफर नहीं देना था. बट ये सब होता है, यू शुड कीप प्रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं और इट्स वेरी ट्रिकी टू यू नो व्हाट यू शुड आस्क. दैट्स व्हाट आई मेंशनड इन वन ऑफ माय वीडियोस ऑन हाउ टू क्रैक SD2 इंटरव्यूज. Do watch that video and also if you found this video helpful, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ. थैंक यू.